यू। कराची में बारह ने नमत बरसे और कराची के शहरी इसको एंजॉय करने के लिए ना निकले, ऐसा नामुमकिन है। कराची के अंदर सबकी समुद्र भुगतान होता है, शहर के अंदर खराब होता है, लेकिन बारह ने नमत भरपूर तरीके से कराची शहर इंजॉय करते हैं। ये नौजवान ये बड़ा है, एक बड़ा चिंची रिक्शा लेकर निकल चुके हैं, भरपूर तरीके से इस मौसम को यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। इन नौजवानों से बात करते हैं कि इनका रिक्शा असल में खराब हो गया, आप देख रहे हैं कि अपना रिक्शा ठीक करने के अंदर मसरूफ है। इन बच्चों से बात करते हैं, बेटा मुझे ये बताइए किस तरह आप इस मौसम को इंजॉय कर रहे हो और अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो हम सीवियर से आ रहे हैं फिलहाल। कितना इंजॉय किया वेदर को? बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया माशाल्लाह। मौसम के तासुरात देख के बहुत मजा आ रहा है, हम लोग सब बहुत खुश है। सुबह 7 बजे से पहले फजर की नमाज पढ़ के निकले हम लोग घरों से, बहुत सीवियर गए, गाजी पे रुके, हर जगह रुक रुक के इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। अभी क्या हुआ? अभी हमारी गाड़ी खराब हो गई, बस गलती कारपेंटर में पानी छिड़क दिया। अच्छा, ये बेटा आप भी आइए, आप बताइए आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप तो जर्मन स्टूडियो बैठे में सुबह कितने बजे निकले थे, क्या क्या एंजॉय किया वेदर को बताए, क्या किस किस तरीके से एंजॉय किया वेदर को, क्या खाया क्या पिया? तो परेशानी क्या होती है सड़क में पानी जमा हो जाए तो क्या होता है, फिर मुश्किल होती है? तो ये अभी इस वक्त ये रिक्शे वाले से बात करते हैं किस तरीके से ये अपने घरों को जा सके। तो कराची के अंदर बारह रहमत बरसने का सिलसिला जारी है और कराची के शहरी अपने अपने अंदाज के अंदर मौसम को इंजॉय करते हैं। कोई लंदन में काम होता है, कोई मौसम का रुख करता है, तो कोई अपने टीची सवारी को लेकर मौसम को इंजॉय करने के लिए निकल जाता है। तो इस तरह ओवरऑल मौसम को इंजॉय करने का आपका पता है।